नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आप सीढ़ी बना रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, ये वीडियो देखने के बाद आपको सारा स्टैंडर्ड डिटेल पता चल जाएगा। और अगर आप बना चुके हैं तो आप इस डिटेल के साथ मिला लीजिए, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिए तो भाई हो सकता है कि आपका सीढ़ी स्टेयर जो है क्रैक भी हो सकता है, वो कोलैप्स भी हो सकता है। चलते हैं और आज हम आपको सीढ़ी के बारे में, सीढ़ी मतलब कि आरसीसी सीढ़ी के हम बात कर रहे हैं, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें सरिया भी रहेगा, उसको बनाने का तरीका क्या है, उसका स्टैंडर्ड डिटेल क्या है, क्या साइज होना चाहिए, सब कुछ बारीकी से बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे क्या है कि अगर कोई भी कहीं भी आपको कोई पूछे तो आप सही तरीके से जानकारी दे सके। और आपको सीढ़ी बनाने के लिए कितना एरिया चाहिए, लंबाई चौड़ाई बताऊंगा और स्क्वायर फिट भी बताऊंगा कि भाई कितना आपका एरिया में ये बन सकता है। ठीक, चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या किए हैं, एक सैम्पल प्लान बना लिए। ठीक है, ये हो गया मेरा प्लान और ये मेरा जो है यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन हो गया। कुछ सीढ़ी इस हिसाब से मेरा दिखेगा, ये कंक्रीट वाला रहेगा सीढ़ी, कंक्रीट प्लस सरिया मिला करके। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, एक एक करके इसका जानकारी हम आपसे शेयर करेंगे। पहला हम लेकर चलते हैं कि भाई इसमें, हाँ एक और चीज़ इसको बताने से पहले हम आपको बता दूँ कि बहुत लोग क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि भाई इसका जो फ्लाइट है इसका थिकनेस कोई क्या करेगा, एक इंची का रख देगा, कोई क्या करेगा दो इंची का रख देगा, ये पूरा ही गलत है। एक इंची दो इंची का फ्लाइट नहीं रखना है, ये इसका स्टैंडर्ड थिकनेस क्या है हम आज आपको वो भी बताएंगे। चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये मेरा हो गया राइजर हो गया, ये यहाँ से राइजर, इसको हम लोग बोलते हैं राइजर। तो राइजर कितना होगा, राइजर जो पहला स्टेप जो हम लोग चढ़ेंगे उसका हाइट कितना दे सकते हैं स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड हाइट इसका है 6 इंची से लेकर के 7 इंची इसका स्टैंडर्ड हाइट होता है। इसससे ज़्यादा आपको नहीं जाना, 8 इंची 9 इंची, बहुत लोग क्या करता है भाई ढाप को मतलब पुराने के लिए जो है कोई 8 इंची कोई 1 फीट भी जो है ये राइजर दे देता है, जो कि बिल्कुल गलत है, चढ़ने में आपको परेशानी होगा। अगर आप 6 से 7 इंची देते हैं तो आपको सीढ़ी पे चढ़ने में कोई भी तरह का दिक्कत ना होगा, तो 6 इंची आप ले सकते हैं आप। दूसरा मेरा यहाँ पे क्या है, ट्रेड, ट्रेड कितना होगा। अब ट्रेड क्या होता है, ये सारा राइजर हम बता दिए, अब ट्रेड मेरा ये हुआ, ये ट्रेड हुआ, ये कितना होता होना चाहिए, ये आपका 10 इंची से लेकर के 12 इंची एक स्टैंडर्ड रहता है, 10 इंची से नीचे कम भी नहीं दे सकते। अगर आप कम देते हैं तो फिर आपका पाँव पूरा उस पर स्टेप पर रुकेगा नहीं, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो 10 इंची जो है मैक्सिमम किसी आदमी का जो पैर का साइज होता है, उससे भी बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 10 इंची देना है, इससे कम नहीं देना, 7 इंची 6 इंची 8 इंची सब नहीं देना। फिर आपका क्या होगा कि जैसे पाँव रखेंगे पीछे का तलवा जो है आपका पूरा नीचे जो है झुका रहेगा, जिससे कि फिर चढ़ने में भी आपको दिक्कतें आएगी इसके ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 10 इंची से 12 इंची आपका ट्रेड रहेगा। अब बात करते हैं फ्लाइट, इसको हम लोग फ्लाइट बोलते हैं, ये जो है ये तो ऊपर वाला पार्ट हो गया जिसका मैंने आपको बता दिया, और ये इसका फ्लाइट इसका कंक्रीट का रहता है, तो फ्लाइट आपका थिकनेस कितना हो गया, ये आपका रहेगा 4 इंची से 6 इंची के बीच में, फ्लाइट का जो थिकनेस 4 से 6 इंची होना चाहिए, हम आपको रेंज बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि 2 इंची 3 इंची दे दिए, 4 से 6 इंची फ्लाइट का थिकनेस होना चाहिए, उसके ऊपर आपका राइजर और ट्रेड रहेगा। अब बात करते हैं तो इसके ऊपर हम लोग जो रेलिंग लगाएंगे, रेलिंग हाँ इसको पकड़ के हम लोग चढ़ने के लिए, तो इसका क्या रहेगा, ठीक है इस रेलिंग को पकड़ के चढ़ने के लिए इसका क्या रहेगा, तो रेलिंग जो रहेगा मेरा, रेलिंग का हाइट, रेलिंग हाइट आपका रहेगा 2 फीट 6 इंची से लेकर के 3 फीट तक रहेगा इसका रेलिंग का हाइट, जिसको पकड़ के हम लोग जो है एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर जाएंगे। ठीक है, तो चौथा हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है विड्थ की बात करते हैं, ये जो चौड़ाई जिस चलेंगे इसका विड्थ मेरा
क्या रहेगा यहाँ से यहाँ तक का, ये जो रहेगा आपका 3 फिट से लेकर के 3 फिट 6 इंची रहेगा, ठीक है। विड्थ मेरा रहेगा 3 फिट से लेकर के 3 फिट 6 इंची। सेम इसी तरह इधर का भी वही रहेगा सेम, ऐसे करके हम लोग चढ़ेंगे इधर से फर्स्ट फ्लोर, और हमेशा ये चलेगा क्लॉक वाइज रहेगा, सीढ़ी हमेशा क्लॉक वाइज बनेगा, क्लॉक वाइज रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विड्थ 3 फिट से 3 फिट 6 इंची। तो अगर हम, और हाँ याद रहने, जितना आपका सीढ़ी का चौड़ाई रहेगा लैंडिंग जो रहेगा उसके बराबर चाहे उससे बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब ये कि इसका चौड़ाई देते 3 फिट का और इसका लैंडिंग जो है हम दे दिए 2 फिट का, ये पूरा गलत रहेगा। तो इसका बराबर ही होना चाहिए, तो ये भी कितना रहेगा 3 फिट 6 इंची रहेगा, ठीक है। सेम उसी तरह ये भी लैंडिंग वही रहेगा 3 फिट 6 इंची। तो उसके हिसाब से अब जो स्टेप का जो पार्ट रहा ये कितना टोटल रहेगा लेंथ, हम यहाँ पे आपको इसका लंबाई भी बता दे रहे। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा कितना था 10-10 इंची का, 10-10 इंच ऐसे करेंगे तो ये मिला करके आपको आ जाएगा 7 फिट 6 इंची। तो एक तरह से अगर टोटल देखा जाए तो टोटल मेरा कितना हो गया, टोटल मेरा हो गया आपका 14 फिट 6 इंची लंबाई हो गया सीढ़ी का। चौड़ाई की बात करते हैं तो और बात करते हैं कि जैसे इसका ये 3 फिट 6 इंची इसको ले लेते हैं और ये भी 3 फिट 6 इंची इसको ले लेते हैं, ठीक। तो अब विड्थ मैंने बता दिया, अब बात करते हैं लैंडिंग को लेकर के, लैंडिंग। और हमेशा याद रहना चाहिए लैंडिंग के बीच में कम से कम जो है आपको गैप रहना चाहिए, जो ये दो स्टेप के बीच में इधर वाला, इधर वाला फ्लाइट का इधर वाला फ्लाइट के बीच में कम से कम गैप कितना रहेगा आपका 4 इंच से 6 इंची, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो कितना हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर के मेरा यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, तो 3 फिट 6 इंची ये, 3 फिट 6 इंची ये, बीच का 6 इंची, तो टोटल कितना हो गया 7 फिट 6 इंची। चौड़ाई 7 फिट 6 इंच, ये स्टैंडर्ड बता रहा हूँ मैं, तो बहुत लोग 2-2 फिट का भी जो है विड्थ का जो है सीढ़ी बना देते हैं, गलत है वो, फिर आपको रेलिंग लगाने में दिक्कत होगा क्योंकि रेलिंग भी थोड़ा सा जगह लेता है। तो लैंडिंग का क्या साइज हो गया मेरा 7 फिट 6 इंची × 3 फिट 6 इंची, ये 3 फिट 6 इंची इधर से लैंडिंग का और इधर से जो है 7 फिट 6 इंची ये वाला लैंडिंग आ गया। फिर इसके ऊपर हम लोग ऊपर चढ़ेंगे तो सेम वही रहेगा। तो अब ये चीज़ तो हो गया आपका डिटेल, अब इसमें और डिटेल की अगर हम बात करें 7th पॉइंट को लेकर के, इसमें फ्लाइट, फ्लाइट का जो एंगल रहेगा कितना रहेगा, ये जो फ्लाइट का जो एंगल रहता है ये कितना डिग्री पर रहेगा, तो ये जो डिग्री रहेगा आपका फ्लाइट का एंगल रहेगा 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री, ये भी लेस 45 से कम ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको इसको ऑन एन एवरेज आप जो है 37 डिग्री ले सकते हैं, 37 डिग्री के आसपास इसका जो है एंगल रहना चाहिए, इससे 30 डिग्री से कम भी नहीं जाना है, 45 डिग्री से ऊपर भी नहीं जाना, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग को देखा हूँ जैसे दुकान के सामने रोड के पास सीढ़ी लगाते हैं, पूरा चढ़ाव एकदम पूरा रहता है, वो 45 डिग्री से भी ऊपर हो जाता है। उसका अगर स्टेप की बात करें, राइजर की बात करें, वो 1-1 फीट का रहता है और उस पर आप सीढ़ी चढ़ के देखिए बहुत ही परेशानी होगा। इसलिए आप जो है प्रॉपर एक स्टैंडर्ड जानकारी ले करके तभी जा करके आप जो है सीढ़ी बनाइए। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमेशा लैंडिंग लिमिट कितना पर आना चाहिए आपका, एवरी मैक्सिमम आपका 12 स्टेप जब हो जाएगा, 12 स्टेप्स के बाद मैक्सिमम आपको एक लैंडिंग देना पड़ेगा, 1 लैंडिंग मैक्सिमम। क्योंकि अगर आप एक फ्लोर दूसरा फ्लोर जा रहे हैं तो कंटिन्यू जो है, अगर 20 स्टेप चाहे 22 स्टेप आने वाला है तो कंटिन्यू नहीं करना है, 12, 10 स्टेप के बाद चाहे 11 स्टेप के बाद एक लैंडिंग दे देना है,
जो हम लोग फ्लाइट चढ़ेंगे तो एक लैंडिंग देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं मतलब कि सीधा जो है ये फ्लोर का हाइट है, इस फ्लोर का हाइट बना के पूरा सीधे बना दिए, स्टेप ऐसे से दे दिए, ये तरीका गलत रहेगा आपका। हर एक 12 स्टेप के बाद एक लैंडिंग होना ज़रूरी ही है, ज़रूरी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और नवा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई हेडरूम, टेरेस में चढ़ेंगे तो सबसे यहाँ डोर देंगे टेरेस में जाने के लिए, तो हेडरूम का जो है हाइट कितना रहेगा, उसके ऊपर छत रहेगा, रूफ रहेगा, हेडरूम का हाइट, इस फ्लोर से हेडरूम का हाइट, तो हेडरूम हेडरूम हाइट 8 फीट रहेगा, है ना कमाल की चीज़। तो ये डिटेल और ये जानकारी जो अगर आप सीढ़ी बना रहे हैं तो उस समय आपको ज़रूरत पड़ेगा कोई सीढ़ी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और जब भी आप कभी बनाएं तो इसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे हम आपको एरिया निकाल के दे देते हैं, तो एरिया कितना हो गया, देखिए एरिया इक्वल टू सीढ़ी का कितना एरिया मेरे को लगा, ये कितना लग गया 14 फीट 6 इंची × 7 फीट 6 इंची, तो ये क्या आ जाएगा 14.5 फीट × 7.5 फीट इक्वल टू 108.75 स्क्वायर फीट आपको एरिया लगेगा एक स्टैंडर्ड सीढ़ी बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया ज़रूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नीचे आपका थैंक्स का टैब है उस पर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब जब सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कोई नया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन में दिखेगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।